मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको, और बहुत सारी फिल्मों के साथ काम किया है इनके साथ। पहले मैं सोचता था कि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ की हैं, लेकिन उनका नंबर इन्होंने पार कर दिया है और बहुत सारी फिल्में की हैं। अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में, हम दोनों का स्वभाव एक जैसा है, वो मुझे समझते हैं, मैं इनको समझता हूँ, इसलिए काम बड़ा आसान हो जाता है और एक एटमोसफेयर जो बनता है शूटिंग के टाइम पर वो एक अच्छा माहौल बनता है, इसलिए हम बार बार काम करते हैं। राम गोपाल वर्मा ने जब से प्रवेश किया हिंदी फिल्मों में एक नया वातावरण बनाया है उनकी फिल्मों के द्वारा, एक बहुत ही हार्ड हिटिंग प्रीटी फिल्में बनाई इन्होंने, और हम आज के दिन की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किस सिर्फ इसके साथ करता हूँ उसके साथ करता हूँ, जो भी मेरे सब्जेक्ट मैटर है, जो भी फिल्म जब मैं बना रहा हूँ उसी के लेके और उसकी कैरेक्टर्स की जो सूटेबिलिटी है और पर्टिकुलर रोल की जो सूटेबिलिटी है या सब्जेक्ट मैटर की किस जॉनर की है इसके ऊपर डिपेंड होती है मैं जो भी किया है। दैट वाज अ डिफरेंट फिल्म, दिस इज अ डिफरेंट फिल्म, इट्स नॉट अ सीक्वल, इट्स नॉट अ प्रीक्वल, यू नो द स्टोरी लाइन इज टोटली डिफरेंट, द कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट। यू हैव सीन द प्रोमोस एंड व्हाटएवर द रश इज, इट्स नॉट अ गैंगस्टर गैंगस्टर काइंड ऑफ थिंग, हिज लुक इज डिफरेंट, द थिंग्स व्हाट ही डज, द वे ही फंक्शंस इज डिफरेंट। सो मेरे ख्याल से डिफरेंट सिनेमा तो डेफिनेटली बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से रामू जी का एक स्टाइल है, शिवा से उन्होंने देखा, कंपनी की बात करें, सरकार की बात करें, सत्या की बात करें, उन्होंने हमेशा एक अंडरवर्ल्ड, मेरे ख्याल से वो अंडरवर्ल्ड को जिस तरह से एक्सप्लोर किया है मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। हालांकि ये बात की उनकी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो मुंबई से नहीं है, वो हैदराबाद से, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ हैदराबाद में।